जहां प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने अपना परचम लहराया, वहीं हर्ष नगरी जो इत्र और इतिहास के लिए जानी जाती है, भाजपा की इस प्रचंड जीत में अपना पूरा योगदान देती नजर आई। यहां की तीनों विधानसभा सीटों पर सदर से पूर्व कमिश्नर असीम अरुण ने तो, छिबरामऊ से अर्चना पांडे और तिरवा से कैलाश राजपूत ने अपने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हरा कर इत्र और इतिहास की नगरी को भगवामय कर दिया। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ गल्ला मंडी कन्नौज में, जहाँ की 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ पर मतगणना चल रही थी। यहाँ पर एक जो सीट सदर की थी, हाई प्रोफाइल सीट, जहाँ पर 15 वर्षों से समाजवादियों का कब्जा था, उस कब्जे को बिल्कुल तहस नहस करने के लिए भाजपा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर पूर्व कमिश्नर असीम अरुण जी को उतारा था, और उन्होंने इस चुनाव को एक प्रतियोगिता का दर्जा दिया, और उस प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छे नंबरों से वो उत्तीर्ण हुए हैं। और यहाँ पर 15 वर्षों से जहाँ पर समाजवादी लोगों का कब्जा था, उसको ध्वस्त करके यहाँ पर विजय प्राप्त की है। चलिए, मैं आपको असीम अरुण जी से ही रूबरू करवाता हूँ और पूछता हूँ कि सर, ये जो गढ़ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सांसद भाजपा का और दो दो विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन ये सदर की सीट पर 15 वर्षों से लगातार जो है समाजवादियों का कब्जा था, उसको तोड़ करके उस मिथक को दूर करने के बाद भाजपा प्रत्याशी जिन्होंने विजय हासिल की है, असीम अरुण जी से मैं आपको रूबरू करवाता हूं और पूछता हूं, सर सर ये 15 वर्षों से सर समाजवादियों का इस सीट पर कब्जा था, उसको ध्वस्त करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत आभारी हूँ कन्नौज के सम्मानित नागरिकों का कि उन्होंने सुरक्षा और विकास की राजनीति के ऊपर मोहर लगाई है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी, विकास के प्रवाह को और तेज करेगी, और जो विश्वास नागरिकों ने व्यक्त किया है उसको हम लोग और मजबूत करेंगे। सर, ये जो है जनता ने आपको सर आँखों पर बैठाया, तो आने वाले समय में कन्नौज की जनता के लिए आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, जरा उस पर थोड़ा सा? जैसे संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर बनाया, उसी के दायरे में रहते हुए हमने एक संकल्प पत्र तैयार किया, बहुत सारे चर्चा कंसल्टेशन के बाद में अपनी विधानसभा का, जो कि सोशल मीडिया पर हमने डाला, और उसी के मुताबिक हम लोग काम करेंगे, जिसमें कि कृषि, उद्योग, युवा, प्रदूषण रोको, ऐसे बहुत सारे काम हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। सर, ये 15 साल से जो यहाँ पे खूंटा समाजवादी गाड़े थे, उस खूंटा को तोड़ करके आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आप केवल जो है अपने मुखारविंद से बताइए। मैं महसूस कर रहा हूँ कि नागरिकों ने मुझे एक आदेश दिया है कि मैं विकास को आगे बढ़ाऊँ, सुरक्षा को और मजबूत करूँ, और यही काम मैं करूँगा। थैंक यू सर। आप देख सकते हैं, बाखूबी पूर्व कमिश्नर रहे असीम अरुण जी ने जो 15 साल से यहाँ पर समाजवादी अपना खूंटा गाड़े, तो कन्नौज की जनता का दिल से आभार व्यक्त किया है। यहाँ पर हमारे सांसद जी भी आ गए हैं, मैं उनसे आपको भी रूबरू करवाता हूँ। सर 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 सर, ये जो है विधानसभा 198 विधानसभा से जो ये समाजवादी का खूंटा टूटा है, उस खूंटा को तोड़ करके आप कैसा सर महसूस कर रहे हैं? देखो, एक ही खूंटा रह गया था इनके पास, एक विधायक केवल, बाकी सब ना इनके पास कोई नगर पालिका है, ना इनके पास में कोई पंचायत है, ना इनके पास में कोई ब्लॉक है, सारी सीटें हम लोग जीते हैं, एक विधायक रह गया था वो भी हम लोग जीत लिए, तो काहे का खूंटा। जी जी जी, आप देख सकते हैं सांसद जी बहुत ही बेबाक तरीके से, कि इनका जो है एक ही विधायक रह गया था, वो भी आज जो है ध्वस्त हो गया है, और उसको ध्वस्त करने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से जो है यहाँ पर भाजपा ने जो परचम लहराया है, उसको लेकर के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी यहाँ के जो भी छोटे बड़े
कहना चाहिए सेनानी भारतीय जनता पार्टी के, बहुत ही उत्साहित और बिल्कुल उत्सव का माहौल बनाए हुए हैं। कन्नौज जनपद से अमित मिश्रा के साथ पुष्कर शर्मा की। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट, R9 भारत।